नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट टेक्नीशियन में। दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक है वो है कोरोना इफेक्ट क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है। तो जो ये मेरे पास कमेंट आया था वो विकास कुमार प्रजापति जी का कमेंट आया था कि कोरोना इफेक्ट क्या है इसके बारे में बताइए। और जो मैंने कल मैंने वीडियो बताया था वो कोरोना इफेक्ट के कारण ही होता है कि ट्रांसमिशन लाइन में जो चट चट की आवाज़ आती है वो क्यों आती है। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप, मैं उसको सजेस्टेड लिंक में आपको दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा कि ट्रांसमिशन लाइनों में चट चट की आवाज़ क्यों आती है। तो चलिए तो शुरू करते हैं। चैनल शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। जैसा कि दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत के पारेषण के लिए उच्च विभव का इस्तेमाल किया जाता है। आपने अक्सर विद्युत के उच्च विभव वाले ऐसे टावर्स को देखा होगा कि इन तारों के आसपास की वायु इस उच्च विभव के कारण आयनित हो जाती है एवं इन तारों को एक विशेष प्रकार की आवाज के साथ बैंगनी रंग का परिलक्षित होता है। मतलब बैंगनी रंग का एक एक में प्रकाश आता है कि जो, और एक आवाज भी आती रहती है, चटचट की आवाज आती रहती है, और बैंगनी कलर का आपको देखने को, आपको आपको इसका प्रकाश भी देखने को मिल जाएगा। यह प्रभाव हमें रात के समय आपको देखने को मिल जाएगा, जब पूरा अंधेरा होगा और एक भी प्रकाश ना हो तब आपको ये इफेक्ट देखने को मिल जाएगा कि इसमें एक बैंगनी कलर का लाइट जलेगा, कुछ ऐसा होता है इसमें। तो कोरोना के मुख्य रूप से पारेषण तंत्र में हानि के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, ये ट्रांसमिशन में ये हानि के रूप में इसको देखा जाता है एवं इससे कम करने का प्रयास किया जाता है। कोरोना हानि का मान यानी आवृत्ति वो +25 होती है। जो कोरोना की आवृत्ति होती है वो +25 के अनुक्रमानुपाती होता है, +25 के अनुक्रमानुपाती होता है। इस हानि को कम करने के लिए आजकल HVDC पारेषण का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि DC धारा की आवृत्ति शून्य होती है। वैसे तो कोरोना के बहुत से नुकसान हैं, किंतु इसका एक लाभ यह है कि यह सर्ज फ्रंटेड वेव की स्टिफनेस को कम करता है। यह आपको रात के ट्रांसमिशन लाइन के पास आवाज के साथ साथ बैंगनी रंग का प्रकाश दिखाई देगा। जैसा कि चित्र में आप देख रहे होंगे कि इसको कम करने का कई रास्ते हैं। जैसे ट्रांसमिशन लाइनों के चालक तार का साइज बढ़ाकर कोरोना को प्रभाव को कम कर सकते हैं, या फिर दूसरा जो रास्ता है वो दो तारों के बीच की दूरी बढ़ाकर भी कोरोना को कम किया जा सकता है। दोस्तों, वैसे तो कोरोना के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यह मैंने आपको साधारण तरीके से समझाने की कोशिश की है। और दोस्तों, इसमें आप HVDC पारेषण का उपयोग करके इसका इफेक्ट कम कर सकते हैं, या फिर ट्रांसमिशन लाइन के चालक का तार का साइज बढ़ाकर इस प्रभाव को कम कर सकते हैं, या दो तारों के बीच की दूरी बढ़ाकर भी कोरोना को कम किया जा सकता है। और दोस्तों, ये आपको रात में ही देखने को मिलेगा। आप कभी भी अपने खेतों में या फिर कहीं सड़कों पे, जहाँ पे भी हाई टेंशन लाइन का ट्रांसमिशन हो रहा होगा, जहाँ पे इसके खंभे होंगे, तो आप उसके नीचे जाइएगा और आपको ये बैंगनी कलर का प्रकाश और कुछ आवाज़ आपको सुनाई देगा। यह हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के कारण ऐसा होता है, क्योंकि इसमें उच्च विभव का ट्रांसमिशन होता है, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होती है इसमें, ये इस कारण होता है। और इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, लेकिन इसका ये फायदे भी हैं। एक फायदा है, बाकी तो नुकसान ही नुकसान है इसका। तो
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अगर आपको इससे कुछ नॉलेज मिला हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। और आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए, और जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं आपको इसका सही और सटीक और आसान भाषा में आपको इसका मैं जवाब जरूर दूंगा। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।